शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन में रूस के आक्रमण तेज होने के बाद शुक्रवार को तेल की कीमतें कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। दुनिया में क्रूड के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक से तेल खरीदारी रुकने की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्रूड की कीमतों में 2020 के मध्य में सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी आई थी। इस दौरान ब्रेंट बेंचमार्क 16% की बढ़त के साथ 2013 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ और यूएस क्रूड 21% बढ़ोतरी के साथ 2008 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते तेल में उछाल आया क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया। वहीं रूसी तेल और गैस की बिक्री रुकने से आने वाले महीनों में आपूर्ति संकट और बढ़ने की आशंका है। ब्रेंट $7.65 यानी 6.9% बढ़कर $118.11 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि WTI क्रूड $8 यानी 7.4% बढ़कर $115.68 पर बंद हुआ। यह फरवरी 2013 के बाद से ब्रेंट के लिए और सितंबर 2008 के बाद से WTI के लिए सबसे अधिक क्लोजिंग स्तर था। सप्ताह के दौरान ब्रेंट मई 2012 के बाद से अपने उच्चतम इंट्राडे और सितंबर 2008 के बाद से WTI अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बता दें कि रूस प्रतिदिन 4 से 5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करता है, इससे यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक बन जाता है। कच्चे तेल के निर्यात में रूस केवल सऊदी अरब से पीछे है। व्यापारी पूरे सप्ताह रूसी तेल बेचने में मुश्किलों का सामना कर रहे थे। शुक्रवार को शेल PLC रूसी कार्गो का एकमात्र उल्लेखनीय खरीदार था, जिसे फिजिकल ब्रेंट क्रूड ऑयल के लिए $28 की भारी छूट पर बेचा गया था। तेल का संकट जारी रहने की संभावना है। दोनों प्रमुख दलों के संसदों के दबाव में बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वह रूसी तेल के अमेरिकी आयात में कटौती के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जबकि यह वैश्विक आपूर्ति और उपभोक्ताओं पर असर को कम करने की कोशिश करता है। अधिकांश अमेरिकी रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने के विचार का समर्थन करते हैं। शुक्रवार को रूटर्स LPSOS पोल के अनुसार इसमें से 80% ने कहा कि अमेरिका को रूसी तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। कनाडा ने इस हफ्ते की शुरुआत में रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। रूस के सबसे बड़े खरीदारों में चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और नीदरलैंड शामिल हैं। कुछ रिफाइनर ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। इसके अलावा ट्रेडिंग फर्म अधिक प्रतिबंधों के डर से रूसी विक्रेताओं के साथ लेन देन करने से बचना चाहते हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।